हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू ड्रोन डॉक्टर वंस अगेन। तो अब ये वीडियो है ड्रोन रेगुलेशंस के बारे में, वन बाय वन हम समझेंगे, क्योंकि फाइनल जो ड्राफ्ट जो पहले ड्राफ्ट होता था वो फाइनल लॉ बन चुका है। 21 में गैजेट ऑफ इंडिया में लॉज आ चुके हैं और मतलब वो लागू हो चुके हैं। अब इसमें बहुत सारे लॉज हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया है लोगों के बीच में, तभी मैं वीडियो पार्ट्स में बना रहा हूँ। आज मैं पहला पार्ट बना रहा हूँ इस वीडियो का, जिसमें आपको पता लगेगा कि कौन सा ऐसा ड्रोन है कैटेगरी का, कौन सा कैटेगरी का ड्रोन है जो हम बिना किसी टेंशन के, बिना किसी परमिट के, बिना किसी लाइसेंस के उड़ा सकते हैं। नंबर दो, मैं इसमें बताऊंगा कि बाकी कैटेगरीज के बारे में क्या रेगुलेशन है और क्या क्या हमें करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही रेगुलेशन को लेके, ताकि इसके आगे कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे अप्रूवल लेनी है, वो नेक्स्ट वीडियो में सारी सीरीज चलेगी, ठीक है। अब इस वीडियो में इस टॉपिक को लेके किसी को कोई सवाल है तो वो कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि नए रूल्स आ गए, उसमें मैंने बताई थी सजाएं, क्या क्या सजा हो सकती है अगर आप इन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, क्या क्या जुर्माना। वो किसी ने देखना है वीडियो तो मैंने लिंक में दे दिया है, आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं बता रहा हूं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, सबसे पहले कौन से हम ड्रोन्स उड़ा सकते हैं, बिंदास तो नहीं मैं कहूंगा, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बाकी दूसरे कैटेगरी में कैसे हमने वो करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, सबसे आपको सबको मालूम है कैटेगरीज, पहले भी कई बार बता चुका हूं, कैटेगरीज वही है, नैनो, माइक्रो, स्मॉल, लार्ज, यही कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज नहीं बदली हैं, वही सेम है। तो इसमें सबसे पहली कैटेगरी आती है नैनो ड्रोन, जो कि 250 ग्राम से कम है वेट में, और यही एक ड्रोन है। इसमें क्या डीजे का कौन सा फॉल करता है? मिनी वन एंड मिनी टू, यही वो ड्रोन है जिसके लिए ना तो आपको इसकी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, ना इसको उड़ाने के लिए आपको कोई लाइसेंस चाहिए, ना ही इसको उड़ाने के लिए आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए, ना ही इसको उड़ाने के लिए आपको कोई परमिट चाहिए। मतलब ये वो ड्रोन है जो इंडियन गवर्नमेंट रेगुलेशन के हिसाब से मतलब थोड़ा रिलैक्स्ड है, मतलब आप लाए हैं, डब्बा खोला और उड़ा लिया। लेकिन इसमें जो रिस्ट्रिक्शन है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मिनी की, इस कैटेगरी के ड्रोन की रिस्ट्रिक्शन क्या है, कि आप 15 मीटर के ऊपर नहीं जा सकते। अगर आपके ड्रोन में वो कैपेबिलिटी है कि वो 15 मीटर के ऊपर जा सकता है और या आप उसको लेके चले जाते हैं, तब वो नैनो कैटेगरी में नहीं रहेगा और वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आगे वाली कॉम्प्लेक्स हैं उस पर लागू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये पहले पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गया कि ऐसा कौन सा ड्रोन है जो आप बाजार से खरीदेंगे और उड़ा पाएंगे, तो वो है डीजे की कैटेगरी में मिनी, और इसके अलावा इस कैटेगरी में जितने भी खिलौने हैं, जितने भी वो हैं, सब ड्रोन आ रहे हैं। इनको ना तो आपने रजिस्टर कराना है, ना इनमें यूआई नंबर चाहिए, ना ही कोई आपको एक परमिट सर्टिफिकेट है वो चाहिए। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसको आप कहीं भी उड़ा सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखें। इसको आपने पब्लिक प्लेसेस पे नहीं उड़ाना है, आइसोलेटेड प्लेसेस पे उड़ाएं बिंदास। पब्लिक प्लेसेस पे अगर उड़ा दिया तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि पुलिस को नहीं मालूम है कि आप कौन सा ड्रोन उड़ा रहे हैं, इतनी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है। तो पब्लिक प्लेस में अगर आप उड़ा रहे हैं तो परमिशन ले लें पुलिस से, क्योंकि इस ड्रोन में अभी एनपीएमटी सब कुछ कुछ भी नहीं उन्होंने मांगा, सिंपल कहा है कि आपने इन लिमिट्स में उड़ाना है और पब्लिक प्लेस में उड़ा रहे हैं तो परमिशन लेनी है। तो नैनो क्लियर हो गया, तो इसमें आपको कोई भी तामझाम नहीं करना, सबसे आसानी से अगर आपकी लिमिटेशन है भाई मुझे 15 मीटर तक आई एम सेटिस्फाइड, तब आप इसको उड़ा सकते हैं, ठीक है। नैनो ड्रोन हम करते हैं खत्म। अब कैटेगरी आती है माइक्रो की, जिसमें हमारे मैक्सिमम ड्रोन्स फैंटम, मैविक प्रो, मैविक एयर जितने भी हैं वो सब फॉल करते हैं इसके अंदर। अब इसका जो है सिस्टम बहुत ज़्यादा, अब जो रेगुलेशन रिलीज हो गई हैं और जो लागू हो गई हैं बहुत कॉम्प्लेक्स कर दिया उन्होंने। अब लिखा गया है ड्रोन रेगुलेशन के अंदर, गैजेट आप जाके देख सकते हैं डीजीसी की साइट पे, जो इंडिया का गैजेट आता है उसमें रेगुलेशन दी गई है, वही रेगुलेशन उसमें आती है जो लागू होती है। तो उसमें क्लियरली कहा गया है
कि कोई भी ऐसा ड्रोन नैनो कैटेगरी को छोड़ के नहीं है जो विदाउट परमिट लीगली इंडिया में उड़ेगा। मतलब कि अगर आपने माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन उड़ाना है तब आपके पास परमिट होना चाहिए। अब ये परमिट दो तरह के हैं, एक परमिट है UAOP-1 जिसको कहा गया US ऑपरेटर परमिट 1, ये माइक्रो कैटेगरी के लिए। दूसरा एक हायर हैवी ड्रोन्स के लिए, इंडस्ट्रियल ड्रोन के लिए, तो उसमें हम नहीं जाएंगे, उसको कहा जाता है UAOP-2 यानी US ऑपरेटर परमिट 2, वो दूसरी कैटेगरी है। तो कंफ्यूज ना हो, हम अपने कंज्यूमर ड्रोन्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पे ये परमिट हमें लेना पड़ेगा। अब ये परमिट लेने के बाद भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके ऊपर। अगर आपने ये ले लिया, डीजीए वाला का तो सब भूल जाओ, अभी उस पर मैं नहीं आ रहा हूं। अगर आपके पास माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन है और आपने ये परमिट ले लिया फॉर्म भर के, तब भी आप इसको ऐसे नहीं जहां मर्जी उड़ा देंगे, प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी। ड्रोन में NPNT कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, NPNT कंपेटिबल है तो आप ऐप से परमिशन लेंगे, उसके बाद परमिशन मिलेगी तब आप उड़ा पाएंगे। नंबर 3, 60 मीटर, 60 मीटर के ऊपर आप उस ड्रोन को नहीं ले जा सकते। चौथे कैटेगरी इसमें रिस्ट्रिक्शन है, अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस। अब ये क्या है अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस? वो होती है जहां पर कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब हमारे एयर ट्रैफिक का, जैसे हमारे जैसे कंट्रोल स्पेस कौन सी होती है, जहां पर एयर ट्रैफिक मॉनिटर होता रहता है 24 घंटे। जैसे हवाई जहाज हैं ऊपर से उड़ते हैं तो उनका एक कॉन्टैक्ट रहता है ग्राउंड के साथ, ग्राउंड ऑफिस के साथ, तो वो कंट्रोल में रहते हैं। तो वो जो एरिया है उस एरिया में तो कोई भी आप ड्रोन नहीं उड़ा सकते, उसके लिए स्पेशल परमिट्स लगते हैं, वहां तो आप भूल ही जाओ। और वहां पर मैंने जुर्माने बता दिए हैं आपको, कैसे 25,000 से लेकर 5,00,000 रुपए तक जुर्माने अगर वहां पर आपने ड्रोन उड़ा दिया। ठीक है, ये सारी बातें जो मैं बता रहा हूं ये अनकंट्रोल्ड स्पेस पे है, जहां पर मतलब ये ऐसे जहाजबाज या सेंसिटिव एरियाज नहीं है, उसको कहता है अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस, वहां पे सब कुछ लागू है। नैनो ड्रोन का भी है, नैनो ड्रोन भी आप कंट्रोल जगह पे नहीं उड़ा सकते, उड़ा दिया तो जुर्माने हो जाएंगे भाई, सिंपल बता रहे हैं आपको। तो अब सारी बातें, ये जो वीडियो है अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस की बात कर रहा हूं मैं, जहां पर कोई सेंसिटिव कोई एयरपोर्ट जैसी जगह नहीं है, वहां पर नंबर 1 मैंने बताया नैनो बिंदास उड़ा सकते हैं 15 मीटर तक, कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन आ गया 250 ग्राम से 2 केजी के बीच में जो ड्रोन है, इसके अंदर अगर आपने इसको उड़ाना है तो परमिट लेना पड़ेगा, और परमिट का टाइप है UAOP-1, और ये आपको मिलेगा पूरा, आपको उसमें सब चीजें लगेंगी उसके साथ, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस मेनली इसके अंदर सब आ जाता है कि आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चरर, ये सब कुछ जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये अगर आपने ये अगर कंपनी आपको देती है तभी आपको ये सब कुछ परमिट मिलेगा। तो मतलब क्या है इसका कि DGI ने अभी तक ऐसा कुछ भी ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करवाया है, ना तो वो सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर दे रहे हैं, ना वो इक्विपमेंट टाइप बता रहे हैं, ना वो बता रहे हैं कि ये एयर कंप्लायंस हमारे रेगुलेशन के हिसाब से NPNT कंपेटिबल हमारा ड्रोन है या नहीं। ये सब चीज़ें चाहिए, ये सब चीज़ें सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस में लिखी होंगी। मतलब क्या है, अगर आपने एक वो इंडियन ड्रोन लिया, इंडियन ड्रोन के पास ये सब कुछ होगा, जब एक आप इंडियन ड्रोन परचेस करेंगे उस पर भी वीडियो आएगा कौन से अवेलेबल हैं, उस ड्रोन के साथ आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस मिलेगा जो कि वो इंडियन मैन्युफैक्चरर आपको देगा, उसमें ये सब कुछ मेंशन होगा जो इस परमिट को लेने के लिए चाहिए, जैसे कि NPNT कंपेटिबिलिटी है, सर्टिफिकेट मैन्युफैक्चर है सारा, मतलब एक लाइन में बताऊं कि उसमें लिखा होगा कि ये जो ड्रोन आपके पास है माइक्रो कैटेगरी का जो आप उड़ाना चाहते हैं 60 मीटर तक, उसमें सब कुछ है जो हमारी रेगुलेशन इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से उसमें चाहिए। ये सब चीज़ों की कॉपी जब आप फॉर्म के साथ लगा देंगे तब आपको परमिट मिलेगा DGCA से, और तब वो आप 60 मीटर तक माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन उड़ा सकते हैं। तो इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन क्या आया कि ना तो अभी तक DGI ने ऐसा कुछ अप्रोच किया है इंडियन गवर्नमेंट को कि वो सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर दे, ना ही कोई ऐसा ऑथोराइज्ड इंपोर्टर है जैसे मैं बनना चाहता हूँ कि मैं DGI के ड्रोन यहाँ बेच सकूँ। तो अगर मैं अगर बेचना चाहता हूँ DGI के ड्रोन लीगली तो मुझे ऑथोराइज्ड इंपोर्टर बनना पड़ेगा, और ऑथोराइज्ड इंपोर्टर बनने के लिए भी ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर, सर्टिफिकेट ऑफ एयर कंप्लायंस, ये सारा कुछ,
कि मतलब जो DJI का ड्रोन है इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से कंपैटिबल है। अगर DJI ये चीज़ें इंपोर्टर को दे देता है तब इंपोर्टर अपना फॉर्म भर के ऑथोराइज्ड बन जाता है और फिर एज ए ऑथोराइज इंपोर्टर वो मंगा सकता है ये चीज़ें बाहर से, और फिर आप कस्टमर इस ऑथोराइज्ड इंपोर्टर से चीज़ें ले सकते हैं। और जब मैं ये आपको चीज़ें बेचूंगा तो मैं भी कॉपी दूंगा आपको सर्टिफिकेट ऑफ मैन्युफैक्चर की, उसमें सब लिखा होगा कि ये NPRT कंपैटिबल है, इसमें सब कुछ है। फिर आप वो सर्टिफिकेट की कॉपी संभाल के रखेंगे और जब आपने वो ड्रोन उड़ाना है तब आप ये परमिट लेंगे और फिर वो चीज़ें लगाएंगे, फिर आपके नाम पे वो परमिट आपको मिलेगा। ये कहानी का एक हिस्सा है अभी तक, ठीक है? कुछ समझ ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लेके मैं डिटेल में एक लाइव सेशन भी कर दूंगा इसके ऊपर, ठीक है? ये पहला पार्ट है कि आपको UAOP 1 चाहिए, वो तब मिलेगा जब आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं सारे जिसमें ये प्रूफ होता है कि ये जो ड्रोन आपके पास है माइक्रो कैटेगरी का इसमें सारी चीज़ें हैं जो इंडियन रेगुलेशन के हिसाब से हैं। ये पहला कहानी है। अब दूसरी कंडीशन क्या है परमिट लेने के लिए, कि अगर आप माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन उड़ा रहे हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, मतलब ट्रेनिंग लाइसेंस होना चाहिए। अब उसके लिए भी दो तीन कैटेगरीज के फॉर्म्स हैं। पहला जैसे हमारे हमारे जो ड्राइविंग लाइसेंस में होता है ना, लर्नर लाइसेंस होता है एक छोटा स्टूडेंट्स के लिए जो नए सीखते हैं, उसके बाद फिर एक पक्का लाइसेंस बनता है। उसी तरह से ड्रोन का भी एक स्टूडेंट लाइसेंस है, तो मिनिमम आपके पास वो लाइसेंस होना चाहिए। और वो लाइसेंस कब मिलेगा, जब आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा कि आपने एक ट्रेनिंग ड्रोन फ्लाइंग का कोर्स किया हुआ है। अब वो ड्रोन फ्लाइंग का कोर्स कहाँ कहाँ से अवेलेबल है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ जाएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि वो ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ से भी आप वो कोर्स करेंगे वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के देंगे कि इतने घंटे का इसके पास एक्सपीरियंस है, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि इन्होंने ट्रेनिंग की हुई है। वो सर्टिफिकेट की कॉपी भी लगेगी वो स्टूडेंट लाइसेंस लेने के लिए, और फिर जब वो आपके पास वो लाइसेंस आ गया तो उसकी कॉपी भी लगेगी परमिट लेने के लिए। तो बहुत लोचा कर दिया है सरकार ने, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, इतना कॉम्प्लेक्सिटी कहीं भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। तो ऑल एंड ऑल इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि आप ड्रोन ना उड़ाएं नैनो कैटेगरी के ऊपर। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है ये सब कुछ जो मैंने आपको समझाया है, होप आपको समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, इसके आगे हम आगे चलेंगे नेक्स्ट सीरीज में। इसमें मेन मैंने आपको बताना था कि आप नैनो कैटेगरी में उड़ा सकते हैं ड्रोन बिना किसी तामझाम के, लेकिन अनकंट्रोल्ड एयर स्पेस में और अप टू 15 मीटर ओनली। उसके अलावा कुछ भी आपने गड़बड़ की तो 25,000 से लेके 5 लाख तक जुर्माने हैं और सज़ा भी है, वो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। उसके अलावा अगर आप माइक्रो कैटेगरी में आ रहे हैं तो परमिट लगेगा कैटेगरी 1 का, और परमिट लेने के लिए आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास ड्रोन का सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। वो कॉपी जब लगाएंगे और फीस भरेंगे फिर आपको परमिट दिया जाएगा। तो आप माइक्रो कैटेगरी का ड्रोन कब उड़ा पाएंगे, जब आपके पास UAOP 1 का परमिट है, नंबर एक। दूसरा, आपके पास लाइसेंस है स्टूडेंट वाला, दो चीजें ये हो गई। तीसरा, इन चीजों के बाद बावजूद भी आप उसको 60 मीटर से ऊपर नहीं ले जा सकते, और अगर आप गए तो फिर से वो 25,000 से लेके 5 लाख तक जुर्माने हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, आप अपना कमेंट्स लिखें, अपना शेयर करें। मैंने अपने व्यूज आपके सामने रख दिए हैं, यहाँ तक वीडियो देख लिए तो लाइक कर दें। इसके आगे हम और आगे चलेंगे, कैसे ऑथराइज्ड इंपोर्टर बनना है, कैसे ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर बनना है, ये सब मैं बताऊंगा। पूरी रेगुलेशंस क्लियर है, मेरे सामने हैं, पर मैं एक वीडियो में नहीं डाल सकता, यही 15 मिनट का वीडियो हो गया। तो आज के लिए इतना, होप आपको पसंद आया होगा वीडियो, लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।